राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और चलिए अब आज देखते हैं किचन में क्या बनाना है। आज मौसम भी बहुत खराब हो रहा है, कभी तेज आंधी तूफान आ रहा है, गुजरात में तूफान आने वाला है, तो उसका थोड़ा सा असर अभी यहाँ पे देखने को मिला। अभी थोड़ी देर पहले बहुत तेज हवा चल रही थी और खूब तेज अच्छी सी बारिश भी हो गई है, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है और सिर्फ हवाई चल रही है। तो मौसम का भी अपडेट लेते रहेंगे, देते रहेंगे आपको। और चलिए किचन में चलते हैं, देखते हैं आज क्या बनाते हैं। आज एकादशी है, बच्चे कह रहे थे खिचड़ी बना लो मम्मी, मगर खिचड़ी तो बन नहीं सकती है, तो कुछ हल्का खाना है, तो देखते हैं किचन में। चलिए फिर आइए मेरे साथ। ये देखिए हवा बहुत तेज़ चल रही है, ये किचन की मेरी बालकनी है, तो यहाँ से बहुत तेज़ हवा आ रही है। बाहर का नज़ारा देखिए आप, बारिश अभी थोड़ी देर पहले हो चुकी है और बहुत तेज़ हवा चल रही थी। ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है। रूम का भी देख लीजिए आप, पर्दा कैसे उड़ रहा है पूरा। ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है। हल्का भी रहता है और सारा मिक्स मसाला ओट्स बनाती हूँ, बच्चों को पसंद भी आएगा और हल्का का हल्का भोजन रहेगा। और देखिए मौसम कितना ख़राब हो रहा है, तेज़ हवा चल रही है। तो ये मिल गए मुझे ओट्स, ओट्स ओट्स चाहिए। और ये मैंने लिया है प्याज, लहसुन और ये टमाटर, हरी मिर्च। और ये थोड़ी फ्रीजर में मटर पड़ी थी, वो भी मैंने ले ली है, उसका भी यूज करेंगे और अच्छे से मसाला और बढ़िया अच्छा सा बन जाएगा। इसके लिए एक बड़ा सा प्याज लिया है मैंने। देखिए कोयल कैसे बोल रही है, उसकी आवाज आ रही है अच्छी सी। ये ओट्स ले लेते हैं हम। इतने ओट्स काफी हैं 3 लोगों के लिए। मैंने कढ़ाई रख दी है और ये ओट्स निकाल लिए थे, अब इसको फ्राई करते हैं। मसाला जो अपना तैयार रखा है, ये मैंने काट के मटेरियल, उसको फ्राई करते हैं। अब राई डालते हैं।
हो गई है। अब इसमें टमाटर डालते हैं। अब मटर ऐड करते हैं। अब नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। आप चाहें तो लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। फिर इसमें ऐड करते हैं पानी। अब देखिए पानी अच्छे से खोल रहा है। अब हम इसमें ऐड करते हैं ओट्स। गैस धीमी कर देंगे और इसको 5 मिनट तक पकने देंगे। अब जब तक ये बन रहे हैं तब तक मैं थोड़ी सी धनिया काट लेती हूँ। ये ओट्स बिल्कुल बन गए हैं। अब इसमें ये मैगी मसाला ऐड कर देते हैं। और ऊपर से ये धनिया डाल देते हैं। तो दोस्तों मसाला ओट्स बन चुका है। अब खाने के लिए सब तैयार हो रहे हैं कि मुझे खाना है जल्दी से, दो, भूख लग रही है। और सर्व करेंगे तो बड़ा ही अच्छा बना है, देखने में अच्छा लग रहा है और खाने में भी अच्छा होगा। तो चलिए इसको देते हैं बच्चों को। सोच रही हूँ भूज लूँ, उसके साथ अच्छा लगता है, तो अब पापड़ भूजने जा रही हूँ। तो मसाला अब तैयार है और खाने के लिए भी सब लोग तैयार हो गए। तो मैं खा के देखती हूँ कैसा बना है। बहुत अच्छा बना है, हेल्दी है और टेस्टी भी है। और क्या चाहिए हेल्थ के लिए। बहुत ही अच्छा बना है, आप लोग भी बना के खाइए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे।